फैशन कंपनी की ओर से पेश करते हैं, जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खरकिया व मधु शर्मा। किस्सा है चंद किरण भाग नंबर एक। सभी सज्जन सहबानों की सेवा में सुपरलाइन कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा चंद किरण भाग नंबर एक। मेहरबानों, दास्तान कहासे की सिंगल दीप जंजीरे में राजा नारायण सिंह राज करते थे। राजा की लड़की राजकुमारी चंद्रकिरण बहुत सुंदर रूपवती तथा हूर की परी थी। चंद्रकिरण अभी कवारी थी, वह अपने महलों में ही दासी बांदी के साथ रहा करती थी। एक दिन चंद्रकिरण ने अपनी बांदी को बुलवा कर कहा कि जाओ किसी चित्रकार को लेकर आओ, मैं अपने फोटो बनवा कर शादी के लिए जगह जगह में चबा दूंगी। अब बांदी ने एक चित्रकार को चंद्रकिरण के सामने पेश किया, तो चंद्रकिरण ने उस चित्रकार से क्या कहती है और चित्रकार उसको क्या जवाब देता है। चित्रकार बुलाया सरे फोटो मेरा बनावे, अरे कर ले सुतरा देश घड़ी में चूक कती ना पावे। चित्रकार बुलाया सरे फोटो मेरा बनावे, कर ले सुतरा देश घड़ी में चूक कती ना पावे। मेहरबानों, इस प्रकार चंद्रकिरण ने अपने कई फोटो तैयार करवा कर जगह जगह भिजवा दिए। दूर देश में एक दिन राजा मदन सेन अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर कर रहे थे। एक बुढ़िया जो खिलौने और तस्वीर आदि बेच रही थी, उसके पास राजा ने घोड़ा रोक लिया और सोचा शायद इस बुढ़िया का कोई सामान नहीं बिका, इसलिए कुछ लेने के इरादे से बुढ़िया से कहा कि ताई मुझे भी कोई चीज दिखा दो। तो बुढ़िया ने एकदम चंद्रकिरण का फोटो निकाल कर राजा को दे दिया। जब राजा मदन सेन ने उस फोटो को देखा तो देखता ही रह गया। फोटो वाले की शक्ल सूरत देखकर राजा उस पर फिदा हो गया और उस बुढ़िया से कैसे बातें करता था वह बुढ़िया क्या जवाब देती है। सच बता दे होटु वाली, एरी ताईया कौन लुगाई से। ओ क्यों बुझे से थोड़ ठिकाना के मन भाई से। सच बता दे होटु वाली ताई कौन लुगाई से। ओ क्यों पूछे से थोड़े ठिकाना दिखे के मन भाई से। साच बता दे फोटू आड़ी के फोटू मोले करा के ले लू, फोटू मोले करा के ले लू, पहल में भेद बताइए। बात बता दूं काबू में हो होश भूल ना जाइए। हाँ फोटू मोले करा के ले लू, तू पहल में भेद बताइए। बात बता दूं दिखे काबू में हो होश भूल ना जाइए। हाँ दे दू कीमत जितनी चाहिए, दे दू कीमत
जितनी चाहिए तू क्यों दिल में घबराई है। न्यू दिखे तू मोहित हो गया जड़ खो दी चाही है। साथ बता दे फोटू आई कौन लुगाई से। अरे क्यों पूछे से छोड़ ठिकाना दिखे के मन भाई से। साथ बता दे फोटू आई खटक लागेगी आशक हो गया। खटक लागेगी आशक हो गया सही एहसास बतानी। समझावन का फर्ज मेरा सहम करे क्यों हानी। दिखे खटक लागेगी आशक हो गया सही बात बतानी। वो समझावन का फर्ज मेरा सहम करे क्यों हानी। हाँ मेरी बात का उत्तर दे दे। मेरी बात का उत्तर दे दे या किस राजा की जाइस है। सिंघल द्वीप के नारायण सिंह की चंद्र किरण बिन ब्याही है। साच बता दे फोटू आड़ी कौन लुबाई है। वो क्यों पूछे से छोड़ ठिकाना दिखे के मन भाई से। साच बता दे फोटू आड़ी ले ले पांच असर पी बुढ़िया। ले ले पांच असर पी बुढ़िया फोटू का से मोल तेरा। फोटू पे तेरी निगाह गड़ी से गया काल जा डोल तेरा। ले ले पांच असर पी बुढ़िया फोटू का से मोल तेरा। फोटू पे तेरी निगाह गड़ी से गया काल जा डोल तेरा। दिखे सुन के बुढ़िया बोल तेरा री। सुन के बुढ़िया बोल तेरा मन सुरती इसमें लाई से। हो गया दिखे बहम तेरा रे मिलती नहीं दवाई से। साच बता दे फोटू आई कौन लुगाई से। क्यों बुझे से छोड़ ठिकाना दिखे के मन भाई से। साच बता दे फोटू आड़ी दिखे आज ते आगे। हाँ आज ते आगे पहल में कदे कमल सिंह देखा ना रूपी सा। उठा के टोकरा चाल दई मने फेटा ना था भूपी सा। हाँ आज ते पहल में कदे कमल सिंह देखा ना था रूपी सा। उठा के टोकरा चाल दई मने फेटा ना था भूपी सा। मेरा चेहरा खिलती धूप दिशा। चेहरा खिल रहा धूप दिशारी जगह प्रेम कसाई से। ओ अच्छी तरिया जाने से तू किस में तेरी बलाई से। साच बता दे फोटू आई या कौन लुगाई से। अहे क्यों बुझे से दिखे छोड़ ठिकाना के मन भाई से। साच बता दे फोटू आई। मेहरबानो अब राजा उस
को लेकर अपने महल में वापस आ जाता है। जब रानी चंद्रप्रभा ने राजा के हाथ में वो फोटो देखा और उस पर फिदा हुए राजा को देखा तो रानी क्या पूछती है तथा राजा क्या जवाब देते हैं। तेरा ढंगे पागल कैसा हो तेरा ढंगे पागल कैसा तू फोटू किसका ले रहा। आप फोटू में मेरी जान बसी मैं बहुत गणा दुख खेरा। हो तेरा ढंगे पागल कैसा हाँ तेरा ढंगे पागल कैसा तू फोटू किसका ले रहा। बसी में बहुत घना दुख खेरा। वो कौन सौंप से मेरे पल्ले बात पड़ी ना इस बिन जी मेरा लागे एक घड़ी ना। आज चिड़ी का दे पहला में रार चिड़ी ना। आके पूछे कि तू सुन कर खड़ी ना। हाय बड़ी नाया मेरे बुत में दिखे बड़ी नाया मेरे बुत में तू जाल बिछा के हेरा। आ चंद किरण मेरा मकसद रानी तन पैसा तू फेरा। ओ तेरा ढंगे पागल कैसा हाय तेरा ढंगे पागल कैसा तू फोटू किसका ले रहा। हाँ फोटू में मेरी जान बसी मैं बहुत घना दुख दे रहा। रानी रे राजन जी रे रानी राजन आहा सुन राजन तेरा देवी वीर सती से के ब्याह करवाऊं दूजा तोड़ कती से। हाय खिंडे बुराई जो नर नहीं जती से के नहीं समझता मैं कैसी तेज रती से। हाय तू कैसा मर्द पति से हाय तू कैसा मर्द पति से प्रीत गैर कैसे रहा। हाँ सेम बावड़ी होई फिर मैं बापा दे मैं दे रहा। ओ तेरा ढंगे पागल कैसा हाँ तेरा ढंगे पागल कैसा तू फोटू किसका ले रहा। हाँ फोटू में मेरी जान बसी मैं बहुत घना दुख खेरा। गैर बीर की आहां गैर बीर की प्रीत होया कर माड़ी निक्का गा हो रहा मेरे लगी प्रेम कुआड़ी। समझ लिए तू जागी बात बिगाड़ी शिक्षा दे मत करके छेड़ा छाड़ी। हाय बात धरे काटे हाड़ी हाय बात धरे काटे हाड़ी तू काम जड़े मैं घेरा। ओए चंद किरण का खटका लग्या नाम बैठ कर तेरा। ओ तेरा ढंगे पागल कैसा हाँ तेरा ढंगे पागल कैसा तू फोटू किसका ले रहा। ओ फोटू में मेरी जान बसी मैं बहुत घना दुख खेरा। रानी रे राजन जी।
जगावे है मत नाराड़ जगावे अर्ज करूं मैं। ओए छत्री हो कहना उल्टा कदम धरूं मैं। पीहर जांगी मैं खाके जहर मरूं मैं। दिखे मानू को ना ना कह के बात फेरूं मैं। हाए गिरूं मैं चरणा के माँ। हाए गिरूं मैं चरणा के माँ। छिकमा लाड़ बखेरा आकंचन पुरने चल्या जांगा रणी कूतन ने ओढ़ना गेरा। ओ तेरा ढंगे पागल कैसा है तेरा ढंगे पागल कैसा तू फोटू किसका ले रहा। ओ फोटू में मेरी जान बसी में बहुत गना दिखे। मेहरबानो रानी चंद्र प्रभा ने राजा के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा को काफी कहा कि महाराज आप इतने समझदार विद्वान प्रजा पालन हो आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपको ये फोटो वाली हूर के प्रेम में क्या हाल हो चुका आपका। अंत में आपसे विनती करती हूँ कि घर में औरत होते हुए दूसरी औरत की इच्छा करना पाप का काम है। इस चंद्रकर्ण को कहाँ ढूंढते फिरोगे आपको क्या फायदा होगा। इस बीमारी में फंसकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धोखा खाकर इस संसार से चले गए हैं। आप यह ख्याल छोड़ दो। राजा मदन सेन रानी से कहते हैं कि मैं छत्री हूँ मैं अपने प्रण को कभी नहीं तोड़ सकता। मैं चंद्रकर्ण को ढूंढकर इसे शादी अवश्य करना करूँगा। इस प्रकार रानी समझाती है और राजा क्या उत्तर देता है। छतरधारी हो के राजन जा मत उल्टी राही। अरे हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन चाही। छतरधारी हो के राजन जा मत उल्टी राही। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन साई। रे 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 हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन साई। सबने धोखा खाया। हाँ तू इतना दुख कर रही रानी नहीं जाने में आया। लंकपति ने सीता हड़के अपना नाश कराया। दिखे पैज परन पे हट छतरी की चाऊ ब्याह करवाया। रे पैज परन में हट छतरी की ताऊ ब्याह करवाया। वो हाथ जोड़ के तू समझाया। हाथ जोड़ के तू समझाया मान ननद के भाई। दिखे हर दे के माँ हूर बसी से इसमें नहीं बुराई। वो छत्रधारी वो कह राजन जा मत उल्टी राही। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन चाही। रे 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 हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन चाही। ओ दाग लाग जा। हे दाग लाग जा इज्जत के मत जोड़े प्रेमी कहानी। आके फादा तू रोके मने
हो कबड्डी सियाणी। ओ चंद्रमा ने करियास की के बाट्या वो हानी। दिखे डरता को ना पकम जांगा बैस करना रानी रे। डरता को ना पकम जांगा बैस करना रानी। ओ भूपता ने ना बात पिछाणी। भूपता ने ना बात पिछाणी आन चढ़े कर राई। के बात देखिए कदसी आऊ लेक दूसरी प्याही। चक्करदारी हो के राजन जा मत उल्टी राई। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन जाही रे 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 रे। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन जाही। बिघन में हाय कितने बिघन में फस जागा तू क्यों हो गया ऐसा रोगी। ओए फट्टू आड़ी बस है जिगर में शान याते मामोगी। ओ नूर भूप की इश्क में फस के सकल और सी होगी। दिखे ताल रहन दे मत समझावे खुद समझन तू जोगी रे। टाल रहन दे मत समझावे से खुद समझन जोगी। ओ ऐसा अमीरी बहुत सी भोगी। ऐसे अमीरी बहुत सी भोगी क्यों जागी प्रीत पराई। अमर जगाते मैं घनी कसूती मिलती नहीं दवाई। ओ छत्तर धारी हो के राजन जा मत उल्टी राई। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन चाही रचाई। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन चाही। बैठेगा तू नहीं मानता मेरी। इके दूर पर हो मने जान दे गल ना मेरी घेरी। वो कमल सिंह ना देखी जागी दिन में रात अंधेरी। इके बहुत देर का सुन रहा सू मैं नहीं चले हद फेरी रे। बहुत देर का तेरी सुन रहा सुईब चल नहीं अत फेरी। वो नहीं ठिकाने बुद्धि तेरी। नहीं ठिकाने बुद्धि तेरी न तेरे गा समाई। इके प्रेम पुजारी पैज का पक्का कर गए दुर्गे सहाई। वो चतर धारी वो कह राजन जा मत उल्टी राई। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन साई रजाई। हट जा रानी चंद्र प्रभा कर लेने दे मन साई। सजनों इस प्रकार रानी चंद्र प्रभा ने राजा मदन सेन को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने एक नहीं मानी और कहा कि मैं कंचनपुर की रहने वाली चंद किरण की तलाश में जा रहा हूँ। समय बता दिया कि इतने दिन तक इंतजार करना, अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना कि कहीं कैद में फंस गया हूँ। मदन सेन राजा वहाँ से चलकर घूमता फिरता कई रोज में एक साधु के डेरे पर पहुँच जाता है, जिसके लिए राजपाट रानी और सब कुछ छोड़कर आया था। वह हूर भी अभी तक नहीं मिली। राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं काफी दुखी हूँ,
आदमी हूँ। साधु कहने लगा कि आप कोई राजा जैसे आदमी दिखाई देते हैं, और यह साधु बनने का विचार क्यों मन में ठान लिया? तो राजा मदन सेन एक बात के द्वारा महात्मा को क्या कहने लगे? ओ बाबा जी मने चेला कर ले, मैं तेरी शरण में आया हो। बाबा जी मने चेला कर ले, तेरी शरण में आया हो। कान पाड़ ले सोड़ा दे दे, बोते घना दुख पाया हो। बाबा जी मने चेला कर ले, पढ़ ले सोड़ा दे दे, बोते घना दुख पाया। लूंगा मैं पैर का भगमा बाणे ने खटक लाग की छोड़ के आ गया अपने ओरी बिराने ने बिराने ने। ओए तेरे जिसे मानस श्याणे ने क्यों ना भला मेरा साया। बाबा जी मने चेला कर ले, होते घना दुख आया। बाबा जी मने चेला कर ले, होते घना दुख पाया। ये जी दुख पा गया मेरा यो से, लुटरी से धन माया। बाबा जी मने चेला कर ले, तेरी शरण में आया हो। कान पाड़ ले सोड़ा दे दे, लगा दे
बाबा जी ओ बाबा जी आ बात न देवे ला दे बाबा जी जागा दुखी संग वाया बाबा जी मन चेला कर ले वाले हो वाले हो आप मांग कर अदुआ बाबा बिशा चेला मने बना ले हो हाँ अर्ज मान के भाजा ठा ले हो आ गया दिन बुलवाया बाबा जी मने चेला कर ले मेहरबानो राजा मदन सेन अब कनपाड़ा हो जाता है। जब काफी दिन रहते सहते बीत जाते हैं तो एक दिन बाबा से पूछने लगा कि मेरा कैसा रंग ढंग दिखाई देता है। तो साधु ने बता दिया कि अच्छी लता बढ़ चुकी है और दाढ़ी भी बढ़ गई है, तुम पूर्ण साधु नजर पड़ते हो। राजा मदन सेन ने कहा कि अपनी तेरी जयराम जी की, मैं चला यहाँ से। साधु के भेष में राजा मदन सेन कंचनपुर की शहर के निकट पहुंच जाता है तो उसे एक बुढ़िया गोबर के आरने इकट्ठे करती हुई दिखाई दी। उसके पास पहुंचकर राजा मदन सेन वह फोटो दिखाकर क्या पूछता है और वह बुढ़िया क्या जवाब देती है। एरी मैं छतरी सुखास मने से संध किरण की चास तू इसका महल बता कर ले बंद जुबान तेरी बस है घारे के मजान मरू क्यों गैल बता। हाँ मैं छतरी सुखास मने से संध किरण की चास तू इसका महल बता कर ले बंद जुबान तेरी बस है घारे के मजान मरू क्यों गैल बता। कढ़ा दे चाऊस समझाना मैं आपे मतलब क्यों डरती ताई कया मान ले ना करती ताई बुझू थोड़ी ठिकाना मैं ओ करे अंगली हाथ कटा दे करे इशारा आंख कढ़ा दे चाऊस समझाना मैं मेरा होया बेहाल मिलू
चंद किरण में चाल करूं के टेले बता कर ले बंद जुबान तेरी फसे घारे के मजाने मरूं क्यों गैल बता हाँ मैं छतरी सुखा से मने से चंद किरण की दास तू इसका मैले बता तू कर ले बंद जुबान तेरी फसे घारे के मजाने मरूं क्यों गैल बता किसे ते पता बूझले ए सुझा जाते वैसा सूझले घड़ी कहन की सरदाना हाथ छोड़ के घरी बार आया तोड़ कतरी प्यार आया तेरे ते कोई परदाना हाँ और किसे ते पता बूझले ए सुझा जाते वैसा सूझले घड़ी कहन की सरदाना हाथ छोड़ के घर बार आया तुमने कातर प्यार आया तेरे तक कोई परदाना बांधा चाहवे बैर तेरे मन नहीं लगती खैर मिले के सेल बता हाँ मैं छतरी सुखा से मन से चंद किरण की सास तू इसका मैले बता कर ले बंद जुबान तेरी फसे घारे के मजान मरू क्यों गैल बता होया अर्दे में यकीन होया खेटूंगा मैं प्यारी ने होवेगा तू मेरा गुजारा किसका कहजू महल चबारा रहने दे होशियारी ने ओ यकीन ते बेदीन होया हरदे में यकीन होया खेटूंगा मैं प्यारी ने होवेगा तू मेरा गुजारा किसका कह जू महल चबारा रहन दे होशियारी ने मेरी सुन ले दाता तेरी करे तू मुझ बंदे की मेरे बैठगी क्यों दिल बता कर ले बंद जुबान तेरी फसे घारे के मजाने मरू क्यों गैल बता तेरी मैं छतरी सुखा से मने से चंद किरण की सास तू इसका मैले बता ओ कर ले बंद जुबान तेरी फसे घारे के मजाने मरू चाल तावड़ा ओ अखटक में फिरे बावड़ा दवा मर्ज की पावे ना आ कमल सिंह कह कर मत चाला के होटा के लग गया ताला साची बात बतावे ना आगे नैंद चाल तावड़ा ओ अखटक में फिरे बावड़ा दवा मर्ज की पावे ना आ कमल सिंह करम तू चाला के होटा पे लग गया तारा सच्ची बात बतावे ना तेरा लागी ओई सीख रहा ना आगा पीछा दीप करे क्यों पहले बता हाँ मैं छतरी सुखा से मने से चंद किरण की सास तू इसका मैले बता कर ले बंद जुबान तेरी फसे घारे के मजाने मरू क्यों गैल बता क्या मैं छतरी सुखा से मने से चंद किरण की सास तू इसका मैले बता Thank you.
मेहरबानो। राजा मदन सेन ने उस बुढ़िया से चंद किरण के महल के बारे में पूछा, लेकिन वह कहने लगी कि भाई वह ऐसी राजकुमारी है कि कोई महल की तरफ उंगली करते तो हाथ कटवा देती है और आंख से इशारा करते तो आंख कटवा देती है। राजा मदन सेन कहने लगा कि बुढ़िया ताई, अगर तू मुझे मेरी प्यारी का मैं नहीं बताओगी ने तो मैं छतरी वचन का पक्का अपनी चिता बनाकर जड़ कर मर जाऊंगा। अब बाबा के भेष में राजा मदन सेन क्या कहता और बुढ़िया क्या जवाब देती है। एरिया शक्त मासूक मिला दे, एरिया शक्त मासूक मिला दे, महल बता मन प्यारी का। बोल चुपका आ मेरी गल्ला, भेद बात मन सारी का। आशक ते मासूक मिला दे, महल बता मन प्यारी का। बोल चुपका आ मेरी गल्ला, भेद बात मन सारी का। आशक ते मासूक मिला दे, राजपाट घर दिखे राजपाट घर, कुण बात के आ गया भगमा बाणे में। डरती हिचका मानू थी मैं किसकारा बताने में। दिखे महल बताना है तेरे जुम्मे ना ते मेरे उल्हाने में। वो मालूम जागी पाट तने मेरे पाछे पाछे आने में। मालूम जागी पाट तने मेरे पाछे पाछे आने में। हाँ तेरे भाग ते मुलाकात हो, तेरे भाग ते मुलाकात हो, पावे इलाज बीमारी का। बोल चुपका आ मेरी गल्ला, भेद बात मन सारी का। तेरी आशक ते मासूक मिला दे, महल बता मन प्यारी का। बोल चुपका आ मेरी गल्ला, भेद बात मन सारी का। दिखे लटा बढ़ारी डड्डी बड़गी हारा नाम टोकने। चलू टोकरा हा कहने में, तू आ जा गुंगा हो कहने। दिखे फोटू आई और जगर की गेर दिया इन मोकने। वो करू इशारा महल बता दू, काट लिए खुद बो कहने। करूं इशारा महल बता दू, काट लिए खुद बो कहने। हाँ जो मांगे ओ इनाम मिलेगा, जो मांगे ओ इनाम मिलेगा। बोल कमल तरीका, बोल चुपका आ मेरी गल्ला, भेद बता मन सारी का। आशिक ते मासूक मिला दे, महल बता मन प्यारी का। बोल चुपका
आ मेरी गेल्या भेद बता मन सारी का। दिखे जीवन का मेरा राह हो जागा, जीवन का मेरा राह हो जागा, बैठ के माला फेरू मैं। एक काम तेरा सीधे हो ना हो पर राम राम ने तेरू मैं। राम रटे ते फंद कट जाते मन के लाड बखेरू मैं। दिखे चंद्र किरण के हम महल के सामी एक यार ना गेरू मैं। चंद्र किरण के महल के सामी एक यार ना गेरू मैं। तेरी इतना काम चला दे मेरा, इतना काम चला दे मेरा, तू फर्ज निभा घर बारी का। बोल चुपा का आ मेरी गेल्या भेद बता मन सारी का। तेरी आशिक ते मासूक मिला दे महल बता मन प्यारी। बोल चुपा का आ मेरी गेल्या भेद बता मन सारी का। आये कमल सिंह के, आए कमल सिंह के गुरु करण सिंह भगता की भगवान सुने। मैं न्यू डरी काम कसुता मेरी ना मेहमान सुने। महल बता के चली जाइए क्यों ना करते ध्यान सुने। सिर पे होनी आई दिखे फेर बता कौन ज्ञान सुने। सिर पे होई आई दिखे फेर बता कौन ज्ञान सुने। बाबा बन रहा कान पड़ा के, बाबा बन रहा कान पड़ा के प्रेम आत्मा मारी का। बोल चुपा का आ मेरी गेल्या भेद बता मन सारी का। आशिक ते मासूक मिला दे महल बता मन प्यारी का। बोल चुपा का आ मेरी गेल्या भेद बता मन सारी का। बोल चुपा का आ मेरी गेल्या भेद बता मन सारी का। मेहरबानो राजा मदन सेन ने कहा के ताई या तो महल बता दे चंद किरण का या मेरी चिता में आग लगा दे। जब इतनी बात बुढ़िया ने सुनी तो मन में सोचने लगी महात्मा से कदे साची कर बैठे। किसे का जी फेरना ठीक नहीं। क्यों बोली का भाई चिता पक उतर ले। अरे एक और बात से के ताई कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगी और मेरा कहानी कोई सारा मत ना कर दिए कदे मना खड़े चौक में मरवा दे। अरे एक और बात से के कचरा नू समझ रही मैं आर ना गिर दू उस चौक में पैर दबा जमा दिए ठीक सताई। नू सोच रही है मैं ला गया चंद किरण का। इतनी बात सुनकर ताई की ताई आगा गए और राजा मदन सिंह पाछे पाछे। जब चंद किरण का महल आया और चौक आया महल का गए बूढ़े बूढ़े अनार ना गिर दिया। इनके था तू का आगरा लाने न चिटकारी की जरूरत से बूढ़े चौक के वहां अपना धुना जमा दिया। और जब धुने का धुआं महल के झांकी में के भीतर गया तो चंद किरण ने कहा बांधी देखा कौन आ रहा से
जो धुमा किता उसे अब तो बांधी आई जिस साइड से धुमा रहा था उसे साइड मोली और जिस जाकी में धुमा लेकर था उसका नहीं देख के और नीचन लगाई तो बाबा मदन सेन अपनी मस्ती मस्त आंख नीचे और धोने वो बैठिया। वो किसी ने कहा है जिसका लाग जा आस्की का रोग ले ले जोग और ठिकाना ना इश्क बीमारी बाबा दुनिया तनेरी ठक्कर दिन रात चिंता में गात टेब पखाना ना जो असली साधु होगा उसका यो हीरो होगा। अरे एक बात के दोबारा वा बंदी सा कीमत है नुकर लागो मोटे इस धोने खा ले। इतनी बात सुनी तो ऊपर न राजा मदन सेन मुंह करके के कहने लगा भला तेरी बंदी हो के हाडू धमकावन का तेरा के हक से इस बाबा ने तावन करी। बंदी हो के हाडू धमकावन का तेरा के हक से इस बाबा ने तावन का। बंदी हो के हाडू धमकावन का स्वाद दीप भरी मीठी रस की ओ से मत गर्व करे जिंदगी दिन दस की ओ से हाँसी मकरी आपस की हो से बता हवा रोकनी किसके बस की हो से आए दुम्मे का सुबह हवा के बढ़ावन का तेरा के अक से इसे बाबा ने तावने का। बंदी हो गए ताटू दमे कावन का तेरा के अक से इसे बाबा ने तावने का। दिखे करनी होते मुँह पे बदनामी कर दे आना सोया करे जो नमक हरामी करी दे घर त्याग दिया इब कौन गुलामी कर दे हाँ गाल दे उन्हें मेरे श्यामी करी दे आये शर्त दर्जा ऊपर धूना ना ठावन का तेरा के अक से इस बाबा ने तावन का।